अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे सैमसंग की एक और डिवाइस के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में। अब ये जो फोन है पाकिस्तान के मार्केट से काफ़ी जल्दी आने वाला है, यानी कि सैमसंग जो है काफ़ी जल्दी स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च करने वाला है। आज की शुरू में आपको स्मार्टफोन प्राइस बताऊँगा, लॉन्च बताऊँगा और स्पेसिफिकेशन बताऊँगा जो कि कन्फर्म हो चुके हैं सैमसंग की तरफ से। अगर आपने सारा कुछ जानना तो इस वीडियो को शुरू से क्या करता जरूर कीजिए। वीडियो पसंद वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा, लेकिन चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर और भी क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो से नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात को स्टार्ट करेंगे हमें स्मार्टफोन डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, HDR10 की सपोर्ट देखने को मिलती है, फुल HD की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है और कॉर्निंग ग्लास टाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन डिस्प्ले है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मेमोरी की बात करें तो स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट्स आएंगे पाकिस्तान की मार्केट में, ग्लोबली मार्केट में लॉन्च होंगे, जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज। यह फर्स्ट 2.2 की स्टोरेज टाइप होगी, LPDDR4 रैम टाइप देखने को मिल जाएगी। बैक पे 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, मेन कैमरा जिसमें 64 मेगापिक्सल का है और सैमसंग का सेंसर है और यहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर, बैक कैमरा से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पर आपको 1 UI 3.1 देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी डिफाइन और क्लीन UI देखने को मिलता है, कोई फालतू के एड्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर तो भाई यहाँ पर आपको सेम चिपसेट देखने को मिलता है जो कि आपको गैलेक्सी A22 में देखने को मिला था। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेटेड है भाई, स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस अब आपको काफ़ी अच्छी ही देखने को मिल जाएगी, इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन जिस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन आएगा उस प्राइस रेंज के मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि सैमसंग जो आपको पता है काफ़ी ओवर प्राइस स्मार्टफोन लॉन्च करता है पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान के पास बाबी पैसा है। सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक और डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, यानी कि बैटरी देखने को मिलता है और 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ये थी सारी स्पेकशीट ऑफ गैलेक्सी M32। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। अब यार देखो, ये स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देख लिया जाए सैमसंग गैलेक्सी M31 का, तो वो स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान मार्केट में 43,000 में आया था और थोड़ा सा ओवर प्राइस स्मार्टफोन कहलाता था, बट उसको प्राइस कट लगे और अब वो स्मार्टफोन आपको 36,500 या 35,000 में देखने को मिल जाता है, ऑनलाइन देखने को मिलता है और ऑफलाइन आपको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है गैलेक्सी एम सीरीज के। अगर मैं बात करूँ M32 की तो भाई ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में आपको तकरीबन देखने को मिलेगा 35 से लेकर 40,000 के प्राइस रेंज। अगर ये स्मार्टफोन 40,000 से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ओवर प्राइस स्मार्टफोन कहलाएगा। लॉन्च डेट की बात करें तो भाई ये स्मार्टफोन अभी नहीं आने वाला पाकिस्तान के मार्केट अंदर, ये स्मार्टफोन जुलाई के लास्ट में या उसके अगले महीने पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यार ये बात जो है कंफर्म है, क्योंकि पहले ये स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा, उसके बाद जब इंडिया जाएगा स्मार्टफोन यूज़ करके फिर स्मार्टफोन जो पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा। ये थी अच्छी वीडियो, अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके स्टूडियो में तब तक स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।